दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने मुकेश अंबानी और दुबई पर राज करने वाले शेख मोहम्मद बिन राशिद का नाम नहीं सुना होगा। इन दोनों का नाम ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। जहां एक और मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया है, तो वहीं दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा से करोड़ों रुपए कमाते हैं। दोनों ही अपनी आलिशान पैलेसेस, महंगी गाड़ियां और लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है? आइए जानते हैं इनमें से कौन ज्यादा पैसा कमाता है और आखिर ये कैसी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मनी यानी कि पैसे की। अगर कोई हमसे कहे कि ये इंसान बहुत अमीर है, तो हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पास पैसे कितने हैं और वो पैसे इसके पास आते कहाँ से हैं। तो आइए सबसे पहले शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और मुकेश अंबानी के पास मौजूद पैसे पर एक नजर डालते हैं। अगर बात करें मुकेश अंबानी की, तो हम सब जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी सिर्फ हमारे देश के ही सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी उनका नाम शुमार है। सोर्सेज की माने तो मुकेश अंबानी की एक दिन की कमाई 168 करोड़ रुपए है। अब आप इसमें अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उनकी सालाना कमाई कितनी होगी। फॉक्स मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी 92 बिलियन डॉलर्स यानी कि 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा की दौलत के मालिक हैं। अब दोस्तों, एग्जैक्ट फिगर का अंदाजा तो सिर्फ मुकेश अंबानी या फिर उनकी फाइनेंस टीम ही बता सकती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर मुकेश अंबानी का कहीं 2000 का नोट गिर जाए तो उसको उठाने की बजाय वो तब तक 50,000 और कमा लेंगे। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की बात करें, तो अनुमान है कि वो सालाना 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जल्दबाजी में कोई भी नतीजे पर पहुंचकर मोटा भाई को यानी कि मुकेश अंबानी को विजेता घोषित ना करें। उससे पहले हम आपको एक और किस्सा सुनाते हैं। दरअसल जब फॉक्स मैगजीन ने शेख मोहम्मद बिन राशिद की संपत्ति का अंदाजा लगाया, तो शेख काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि उनके पास फॉक्स के द्वारा अनुमान लगाई गई संपत्ति से 10 गुना ज्यादा पैसे हैं, जिसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। वैसे ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के पास जितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी काफी गुप्त है और इसका पता सिर्फ उन्हें और उनसे जुड़े हुए कुछ खास लोगों को ही है। इसीलिए बिना पूरी जानकारी के नतीजे पर पहुंच जाना कि मुकेश अंबानी के पास दुबई के शेख से ज्यादा पैसा है, वो गलत होगा। दोस्तों, सोर्सेज ऑफ इनकम यानी कि ये पैसा आता कहां से है। अगर मुकेश अंबानी की कमाई की बात करें, तो सबसे पहले तो हमारे जहां में जगह जगह पर मौजूद रिलायंस के पेट्रोल पंप आते हैं और इसी से इनकी इतनी मोटी कमाई होती है कि उनके आने वाली 7 पीढ़ियां भी बिना कुछ काम किए बड़े ही आराम से बैठकर जिंदगी काट सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मुकेश अंबानी अपने पेट्रोल पंप से लगभग 64,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। और अगर उनकी कमाई की बात चल ही रही है, तो कुछ समय पहले लॉन्च हुए जियो को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसकी शुरुआत में तो लोगों को इंटरनेट का कुछ ऐसा चस्का लगा कि ये कभी बंद ही नहीं होने वाला, और इसके कारण मोटा भाई हो गए और भी ज्यादा मालामाल। ऐसा बताया जाता है कि मुकेश अंबानी की इससे लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की कमाई की बात करें, तो सबसे ज्यादा पैसा दुनिया भर में मशहूर बुर्ज खलीफा से कमाते हैं। सिर्फ बुर्ज खलीफा से ही उनकी इनकम लगभग 1,50,000 करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके अलावा इनके पास दो पेरेंट कंपनियां हैं, जिनका नाम है दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड। इसे इनके ऊपर पैसे की बरसात होती रहती है। इन सभी कंपनी की हर साल की इनकम लगभग 47 करोड़ हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। अगर मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की बात करें, तो ये हर वक्त जेड सिक्योरिटी से घिरे रहते हैं। इतना ही नहीं, उनके घर में भी कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। और जानकारी के अनुसार अंबानी हर महीने करीब 15 से 17 लाख रुपए अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। वहीं अगर दुबई के शेख की सिक्योरिटी के बारे में जाने, तो इन्होंने दुबई की ऐसी कायापलट कर दी है कि यहाँ पर कोई गलत काम करने के बारे में सपने में
भी नहीं सोच सकता। इसका एक कारण ये भी है कि शेख साहब ने पूरी दुबई में 3 लाख से भी ज्यादा सिक्योरिटी कैमरा लगवाए हैं, जिन्हें हर वक्त एक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। ऐसे सिस्टम की वजह से ही ये खुलेआम जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और जो जी चाहे वो कर सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों नेक्स्ट वन है कार कलेक्शन। अब दोस्तों अब इतना पैसा है और इतनी रईसी है तो जाहिर सी बात है गाड़ियां भी एक से एक शानदार होंगी। मुकेश अंबानी और शेख मोहम्मद बिन राशिद दोनों की सवारी को अगर देखकर अंदाजा लगाया जाए तो दोनों ही लग्जरियस गाड़ियों के शौकीन हैं। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो उनके पास 168 से भी ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां हैं और उनके घर पर ही वो हमेशा पार्किंग में मौजूद रहती हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। मुकेश अंबानी ने $180 मिलियन का एक प्राइवेट जेट भी खरीदा है और इसके अलावा उनके पास 3 हेलीकॉप्टर भी हैं। बता दें मुकेश अंबानी ने अपनी गाड़ियां, प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर जैसी चीजों को खरीदने में लगभग 500 से 600 मिलियन $600 मिलियन खर्च कर दिए हैं। वहीं दोस्तों अगर दूसरी और दुबई के शेख की बात करें तो हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि पैसा उड़ाने के मामले में इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये भी गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं, इसीलिए इनके पास भी एक से एक महंगी गाड़ी है। 100 से भी ज़्यादा गाड़ियों के मालिक हैं शेख राशिद। ज्यादातर गाड़ियां सोने से इनकी लदी हैं। इतना ही नहीं, इनकी लग्जरियस कार को तो इन्होंने हीरो से सजाया है। लेकिन भैया शेख साहब सिर्फ कस्टमाइज गाड़ियां तक ही अपने शौक को सीमित नहीं रखते, ये तो करोड़ों रुपए एक चुटकी में खर्च करके अपनी मनपसंद नंबर प्लेट भी अपनी गाड़ी पर लगा लेते हैं। इनकी सिर्फ गाड़ियों के खर्च का अनुमान लगभग 200 करोड़ रुपए बताया जाता है। वहीं अगर इनके यॉट की बात करें तो उनके पास 1000 करोड़ रुपए का एक यॉट है जो दुनिया की सबसे महंगी यॉट में से एक है। इसके अलावा उनके पास मशहूर दुबई यॉट भी है जिसमें सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि किसी 7-स्टार होटल में होती हैं। इसके अलावा भी इनके पास और यॉट है, ये सिर्फ जमीन पर ही नहीं आसमान पर भी राज करते हैं। वैसे तो उनके पास कई प्राइवेट जेट मौजूद हैं, लेकिन दुनिया भर में मशहूर इनका एक प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत लगभग 3,650 करोड़ रुपए की है। ये दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट जेट्स में से एक है। इस हवाई जहाज को फ्लाइंग पैलेस का नाम भी दिया गया है क्योंकि हवाई जहाज अपने नाम की तरह किसी पैलेस जैसा है जिसमें वो सारी फैसिलिटीज दिखाई देती हैं जो कि किसी महल में होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों रईस फैमिलीज के घर की यानी कि महल की। पूरी दुनिया ही बात जानती है कि मुकेश अंबानी के पास दुबई में एक सबसे महंगा घर है जिसका नाम है एंटीलिया और जिसके 6 फ्लोर को सिर्फ उनकी लग्जरियस गाड़ियों की पार्किंग के लिए ही बनाया गया है। इस 27 फ्लोर्स के घर की कीमत 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं दुबई के शेख साहब भी कम नहीं है, इनके पास भी 7,000 करोड़ रुपए का पैलेस है जिसमें ये अपनी 6 बेगम और 23 बच्चों से बड़े से परिवार में रहते हैं। इसमें दुनिया भर से इंपोर्ट की गई महंगी चीजें, सोने से लगा टॉयलेट भी है, साथ ही इसमें एक प्राइवेट जू भी है जिसमें शेर से लेकर चीता तक कई जानवर मौजूद है। अक्सर ये दोनों रईस अपने मेहमानों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके महंगी दावतें भी रखते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जानकर आपको क्या लगता है, इन दोनों में से ज्यादा पैसा किसके पास है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।